दिन संडे, डेट है 12th of July 2020। आज का हिंदू एनालिसिस से देखिए, एडिटोरियल सेक्शन में कुछ नहीं होता, एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का सेगमेंट था। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जिनसे हमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट में मिल जाती हैं, तो आज हम न्यूज़ सेगमेंट से ही चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं न्यूज़ सेगमेंट से। पहला देखिए, बीजेपी के एमएलएज़ जो हैं, बीजेपी जो है एमएलएज़ जो आपके राजस्थान में हैं, उनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। देखिए वहाँ पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, गहलोत साहब बैठे हुए हैं, और इनके साथ क्या है, इनके पास टोटल 107 सीट्स हैं, बीजेपी के पास 72 सीटें हैं। अगर ये बाकी लोकल्स जो हैं उनको लेने लगता है, ख़रीदने लगता है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी थोड़े नंबर्स बढ़ते जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस के कुछ लोग खरीद ले। देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है, दल बदल कानून जिसे हिंदी में बोलते हैं, जो बेटा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके साथ एक सिंपल सा लॉजिक ये दिया गया है कि अगर 2/3 टोटल विनिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं, अगर वो पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो इनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं की जाती। तो अगर एमएलएज़ की मेंबरशिप ही नहीं कैंसिल की जाएगी, तो उनके पास फ़ायदा हो जाता है, वो अपनी गवर्नमेंट बचा ले जाते हैं। सीधी सी बात है, अब इस तरह क्या होता है कि पार्टी को दूसरी पार्टी में जुड़ने का भी मौका मिल जाता है, तो इसका मिसयूज़ भी होने लगा है आज की डेट में, जो किया जा रहा है। अब देखिए 25 CR अगर दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसका ब्लेम लगाया गया है। अभी रियलिटी कितनी है नहीं पता, बट हम पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें, देखिए डेकेड हो गया, एक डेकेड तक लगातार मेजॉरिटी में रूल करने का काम इससे पहले कांग्रेस ने किया था। मेरे हिसाब से 81 से लेकर 89 तक उन्होंने ये काम किया था, या 79 तक किया था। तो वो 10 decades के बाद अब ऐसा हुआ है कि फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट बैठी हो, तो इनके पास कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है ही है इस चीज़ का। इसके बाद यूपी में बेटा फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया, 55 घंटे का है। अब देखिए डिपेंड करता है, अगर इसमें केस में थोड़ा बहुत भी चीज़ें सर्ज होती हैं, चीज़ें कम होती हैं, तो अब यकीन मानिए इस लॉकडाउन के बाद इस लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा ताकि चीज़ें हों। देखते हैं फ़ायदा क्या होता है, उम्मीद तो है कि अब ये मंडे को ख़त्म हो जाएगा, अब नहीं होता तो बात अलग है। इसके बाद इंडो चाइना रिलेशन के बारे में बात की गई, इन्होंने कहा कि जो अभी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है। इंडो चाइना का रिलेशन इंप्रूव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछेगा, उसके लोगों ने जवाब दिए, सब कुछ है। तो इसको समझना जानना हमारा काम है, हम इसे कैसे समझेंगे जानेंगे इसको देखना है हमें। तो आइए इसको हम समझते हैं आगे। देखिए पहले आप इसे समझें, इससे पहले आप कई चीज़ें समझ लीजिए, चाइना के सारे मोटिव समझ लीजिए, चाइना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो देखिए चाइना सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आज कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात कर रहा है, जिसे OBR बोलते हैं आज की डेट में, BRI हो गया, पहले इसका नाम था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसके बाद इसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का नाम दे दिया गया। बेल्ट रोड इनिशिएटिव है क्या बेटा, ये एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, यूरोप हो गया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब में इन्वेस्ट करना चाहती है। सिल्क रूट था पुराना, उसको रीफर्निश कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में। बेल्ट रिफर्स ओवरलैंड रूट्स फॉर द रोड एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन, जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है उसके लिए होगा। इसके बाद इन्होंने सेंट्रल एशिया वगैरह को जोड़ने के लिए सी रूट को जुड़ा है, रोड के साथ रेफर किया है मैरीटाइम सिल्क रूट, जो 21st सेंचुरी में चलेगी, ये आपका मिडिल ईस्ट, यूरोप, इन सबको जोड़ेगी। इसके बाद एक प्रोजेक्ट जो था चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने लॉन्च किया था 2013 में, इसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीशन करता है 249 में, जिसमें कई 100th anniversary है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की उस वक्त। इसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है इसमें कॉम्पिटिटर हैं दो, US सेंट्रिक ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स एंड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एंड ट्रांस एटलांटिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, ये दोनों हैं। इसकी थीम है बेल्ट एंड रोड कॉपरेशन शेपिंग द ब्राइटर शेयर्ड फ्यूचर। अब देखिए इशू क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी बेटा, बहुत सामने कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिएगा। यहीं पे देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख रहे होंगे ये रोड यहाँ से ये लेगा, ये आपका रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की होते हुए ये आपके यूरोप के लास्ट कॉर्नर तक जा रही है। इसके बाद इन्होंने सी रूट को देखा, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से होते हुए श्रीलंका, इंडिया, इंडिया को जोड़ते हुए इधर होते हुए यहाँ जा रही है। अब इसमें इन्होंने बेटा कुछ ग्वादर पोर्ट वगैरह जोड़ी, सीपेक बोला जा रहा है, ठीक है, ये भी इन्होंने बना दिया। देखिए ये सारी रोड कनेक्टिविटी जो दी जा रही हैं, अब यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर जहाँ जहाँ ये काम करेंगे वहाँ वहाँ इनका मिलिट्री बेस भी आएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए जब चाइना काम करता है तो चाइना का एक रूल है कि जो इसकी कंपनीज़ हैं, जैसे मान लीजिए चाइना ने कहीं पर काम किया, तो उस कंपनीज़ को और उसके डेवलपमेंट को, जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो आर्मी है, जिसे पीआरसी बोलते हैं, है ना,
तो उसको ये अपॉइंट कर देते हैं हर जगह। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो आर्मी है, पीपल रिपब्लिक आर्मी, उसे हर जगह अनाउंस करते हैं और वो रहने लगती है। तो कहीं ना कहीं उस कंट्री में मिलिट्री कंट्रोल करने लगते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के नाम पर मिलिट्री के बेस वहाँ बनाने लग जाते हैं। तो चीज़ें हैं। अब सिग्निफिकेंट VRI का क्या होगा ये देख लीजिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भैया, चाइना की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ये इसके लिए काम कर रही है। मैरीटाइम पावर, चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में अपना पावर बढ़ा देगा इस जगह से। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न प्रोवेंस, जिंगजियांग प्रोवेंस जहाँ पे टेंशन एंड ऑल चलती रहती हैं, इसको डेवलप कर देगा। उइगर मुस्लिम के इश्यूज़ को ख़त्म कर देगा। तो ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद एनर्जी रूट, अगर ये क्रिएशन हो जाएगा तो उसको एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कहीं से भी मलक्का स्ट्रेट एंड ऑल जगह से अपनी चीज़ों को मंगा सकता है। इसके बाद मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन लिंक बन जाएंगे रिच यूरोपियन कंट्रीज से, तो इसको मार्केट मिल जाएगी, अपना ट्रेड बूस्ट कर पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पोर्ट का होगा, रेलवे का होगा, पाइपलाइंस का होगा अक्रॉस। तो एशिया और इंडियन ओशियन में चाइना जब रहेगा तो एक्सेस कैपेसिटी से मिल जाएगी स्टील, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बेटा, ये सारी चीज़ें भी इनके लिए काम करेंगी। तो ये सारी चीज़ें भी इनको पर्टिकुलरली फ़ायदा देंगी। तो एक मिनट दे दीजिए, ये जो शोर हो रहा है इससे मैं बाहर हो जाऊँ। तो ये बेसिक चीज़ें भी बेटा आपको फ़ायदा दे देंगी, इससे भी इंजीनियरिंग में फ़ायदा मिलेगा, इनसे भी चीज़ों का आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बेटा ट्रेडिंग नॉर्म्स की बात करें, ट्रेडिंग नॉर्म्स एंड रिजिम्स की बात करेंगे, तो ये चाइना को ट्रांसलैंटार्टिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और ट्रांस पैसिफिक है, इनके साथ भी मैकेनिज्म मिलेगा और न्यू ट्रेडिंग नॉर्म्स बनाने का मौका मिलेगा। देखिए चाइना जो अपने डिसीजंस लेगी वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, इसे वो फुलफिल कर सकती है। चैलेंजेस BRI क्या है, कमर्शियल वेरिएबिलिटी। जाहिर सी बात है कि आप जब इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, बहुत लंबा है और फॉरेन करेंसीज इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जो ग्रांट है उसको भी लिमिटेड दे सकते हैं, डेप फाइनेंसिंग है, प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस है, कंट्रीज अलॉन्ग बेड रोड इनिशिएटिव जो है डिफरेंट लेवल्स पे एक दूसरे का काम कर रही है, पुअर गवर्नेंस कंडीशन बन रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रेड डेवलपमेंट को हिंडर करती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्रीज अलॉन्ग BRI के साथ जो है फ्रजाइल स्टेट इंडेक्स है, यमेन, सोमालिया, सीरिया, अफगानिस्तान, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंडीशन बहुत ख़राब है, पॉलिटिकल इनस्टेबल है ये सारे प्लेसेस। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो टर्की है, वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कुर्दिश के साथ, जो वहाँ की पीपल रिपब्लिक की कुर्दिश आर्मी है उनके साथ इनके प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कंट्रीज इनस्टेबल है वहाँ पर BRI का प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम लेगा। रीजनल डिस्पैरिटी, एथनिक टेंशन चाइना में खुद चलती हैं। अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना में जो है एथनिक टेंशन चल रही हैं, जैसे जिंगजियांग में उइगर मुस्लिम्स, उसके बाद हांगकॉन्ग एंड ऑल के इशूज़ हैं, रीजनल डिस्पैरिटी है वहाँ पर, ये भी आपको देखना है। नेबरिंग कंट्रीज़ में बात करें तो UN ट्रिब्यूनल ने इन सारी चीज़ों को साउथ चाइना सी में इनकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। डोकलाम में चाइना का भूटान के साथ सॉवरेंटी है, उसमें इशूज़ चल रहे हैं। इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ है, उसमें इशूज़ चलते हैं। तो कंडीशंस ऐसी हैं, अगर आपको सब कुछ करना है तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, जो थोड़ा मुश्किल पाकिस्तान इंडिया चाइना के लिए लग रहा है। पाकिस्तान इंडिया का इशू है तो सेपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी एक इशू आपके लिए क्रिएट करता जाता है। आज BRI प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें चाइना की, वो भी डाउन होती चली जा रही है। अब BRI प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड वाइड चलना है, इसकी हिस्ट्री कॉपरेशन सब हम देख सकते हैं। BRI की डिपेंडेंसी US डॉलर पर है, उसी का फंड चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास बहुत था, फॉरेन एक्सचेंज था, आज की डेट में जो डिस्प्यूट इश्यूज चल रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को रन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रोम इंडोर्स ऑफ BRI रिसेंटली जो है उसमें 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन जो है वो इसे करेंगे। अब सबसे बड़ी बात है चाइना जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को जो है उसको कितने दिन तक चला सकता है अगर इसके पास फॉरेन फंड नहीं होगा। प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट जो है $80 बिलियन जो है वो उसने अभी तक इन्वेस्ट किया है। 82 ओवरसीज कॉपरेशन पार्क्स हैं, तो 3 लाख से ऊपर लोकल पीपल्स को जॉब दी जाएगी। इंडिया का कंसर्न क्या है बेटा इसमें आप ये समझिए। देखिए इंडिया को चारों तरफ से घेरने का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। जब आप डेवलपमेंट करते हैं BRI आपकी बन जाएगी तो आपको रोड का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आप अपनी आर्टरी एंड ऑल इमरजेंसी में अपने पास ला सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो गिलगित वाला बल्तिस्तान से जा रहा है, जो POK का एक पार्ट था जिसको इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया। इसके बाद इंडिया चाइना के साथ जुड़ना नहीं चाहती इस चीज़ में, सिक्योरिटी कंसर्न है ट्रेड एनर्जी और सबके लिए। इसके बाद सेपेक अफगानिस्तान तक ले जा रही है, इसके बाद मालदीव, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका सब जुड़ा है, यूनिलैटरल डिसीजन है। इंडिया जो है वो अपनी डिसीजन ले सकती है, वो BRI में नहीं जुड़ना चाहते, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज हैं। कई जगह इन्होंने जो ऑप्शंस दिए, बिजनेस का कंसर्न दिया, प्रोजेक्ट दिए, उसमें इन्होंने बेमानी कर रखी है, पेमेंट में डेप ट्रैप कर देते हैं लोगों को।
ये प्रेजेंस जो है इंडियन ओशियन में आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए क्या ऑप्शन और है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है बेटा, जब इंडिया यहाँ पर जुड़ रही है तो आप अगर देखेंगे तो इंडियन ओशियन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और कंसर्न की जरूरत पड़ती है। देखिए आप इस बॉर्डर से तो अटैक कर सकते थे, बट ये बॉर्डर इंडिया के लिए सिक्योर था क्योंकि इसके नेबरिंग नेशन थे। आज इंडिया के नेबरिंग नेशन में नेपाल से रिलेशन बुरे हैं, बांग्लादेश से बुरे हैं, म्यांमार से नहीं सही चल रही, श्रीलंका से नहीं सही चल रही, पाकिस्तान से नहीं सही चल रही। तो जब ये नहीं चल रहा तो अब इशू क्या आ रहा है, इन सबसे चाइना रिलेशन अच्छा कर रहा है। अब जैसे देखिए इन्होंने चिटगांव पोर्ट बना दिया बांग्लादेश में, इधर बना दिया हम्बनटोटा मालदीव में, माले कैप्चर कर लिया, इसके बाद ग्वादर पोर्ट बना दिया। तो अगर कल को कोई टेंशन होगी तो अपने आर्मी बेस अपने पोर्ट पे बना सकते हैं। श्रीलंका का जो पोर्ट था उसे इन्होंने बेटा उठा लिया डेब्ट ट्रैप के नाम पर। इनको फंडिंग जब वापस लोन की नहीं मिली तो उन्होंने 99 ईयर्स के लिए इसको ले लिया। इसके बाद जो सेपेक आपका बन रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें देखेंगे तो एनर्जी प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्वादर पोर्ट है और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया कहीं ना कहीं से अपने ही लैंड में घिरता जा रहा है। देखिए नेवल पावर में इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आर्मी और एयरबेस में है, तो इसकी इस कमी का भी फायदा चाइना उठा रहा है। कल को अगर टेंशन होगी तो चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अभी भी देखिए जो स्टैंड ऑफ था, चाइना अपनी अकड़ में रहा। रीज़न है कि कहीं ना कहीं इंडिया अपनी नेबरिंग से बना के नहीं चल पा रहा, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं चाइना को मिलता जा रहा है। इसके बाद आप अगला देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि डेब्ट ट्रैप है भाई, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता। आप जब आते हो देखिए ये क्या करते हैं, जब डेवलपमेंट करता है चाइना के डेवलपमेंट का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जब डेवलपमेंट करता है तो रॉ मटेरियल अपने यहाँ से लाता है, मैन पावर अपने यहाँ से लाता है, फंड्स अपने यहाँ से लगाता है, सिर्फ आपका लैंड यूज़ करता है। तो आपके यहाँ ग्रोथ तो होता है बट वो ग्रोथलेस ग्रोथ होता है, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया सब कुछ हो गया बट ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ना आपके यूथ के पास पैसा आया। दूसरा OBR बन जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसमें इसकी प्रेजेंस बढ़ जाएगी, तो एक थ्रेट आ जाएगा इनकी टेरिटरी के लिए। मिस्ट्रस्ट है चाइना के साथ कई लो कंट्रीज़ को। उसके बाद मिलिट्री डेवलपमेंट है जहाँ पर ये जाते हैं, 30,000 सिक्योरिटी पर्सनल हर प्रोजेक्ट में इन्होंने सेपेक में भी एम्प्लॉय कर दिए, तो एक डबल स्टैंडर्ड केस का है। कंसर्न प्रोजेक्ट का श्रीलंका में जब इन्होंने बेटा बनाया मेगापुरा महिंदा राजपक्षे पोर्ट जो हम्बनटोटा में था, तो जब इसे बना दिया तो ये बिगेस्ट पोर्ट था कोलंबो के बाद, इसे बना लिया तो श्रीलंका ने इनसे बोला 70% पोर्ट की लीज इन्हें दे दी गई है और 99 ईयर्स के लिए पोर्ट की लीज इन्हें दे दी गई है। इस लीड के साथ चाइना जो है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया, इसे अपना पोर्ट देना पड़ा। ऑलरेडी से हमने कहा है कि हम इसे मिलिट्री यूज़ में नहीं पर्सनल यूज़ में रखेंगे और सिविल यूज़ के लिए रहेगा, बट प्रॉब्लम रहती है। इसके बाद मलेशिया के जो मतीर मोहम्मद है इन्होंने का डिसअप्रूवल चाइनीज इन्वेस्टमेंट को दिया। इन्होंने कहा भैया डेब्ट ट्रैप के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, इनडेप्ट हो जाएंगे हम लोग। 2018 में फिर चाइना की विजिट हुई, ये गए इन्होंने सारे ईस्ट कोस्ट रेलिंग प्रोजेक्ट को भी डैन कर दिया, चाइना पेट्रोलियम पाइपलाइन ब्यूरो को भी इन्होंने बंद कर दिया। फिर बाद में डिप्लोमेटिक बात हुई, इसके बाद इस रेट को बार्गेन किया गया, आज थोड़े कम रिड्यूस कॉस्ट पे इस काम को करने की कोशिश की गई है, डेब्ट ट्रैप का क्लियर है। इसके बाद नेपाल से इन्होंने साइन किया 56 बिलियन का एस्टेब्लिशमेंट ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी का बेटा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्रॉस बॉर्डर रेलवे भी एक शुरू करेंगे। इसके डेट में नेपाल अभी इनके साथ लगातार एग्रीमेंट साइन कर रहा है, जो कंसर्न है फ्यूचर में देखिए इकोलॉजिकल कंसर्न भी है, कंट्री के लिए भी कंसर्न है। पाकिस्तान ने $14 बिलियन डेमेज बादशाह डैम प्रोजेक्ट साइन किया है सेपेक के अंडर, और यहाँ पर कंडीशन है जो मॉनेटरी की है वो बीजिंग इम्पोज करेगा। इंडिया की पोजीशन की बात करें सेपेक जो है इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर इन्होंने पहले दिन से दिया है और कहा है कि हमारा एरिया इस पर आप नहीं कर सकते। सेपेक जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा था, इस पर इशूज़ थे, इस कनेक्टिविटी के लिए इन्हें कंट्रोल करना है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हो रही है, चाइना सेपेक प्रोजेक्ट को कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहा है, कॉरिडोर का काम था बट इसको माना गया, चीज़ें की गई। हम्बनटोटा पोर्ट की कंडीशन आपने देखी, इंडिया के अपोजिट जब चाइना डेवलपमेंट करता है डेब्ट ट्रैप में फंसाता है, वहाँ पर नेवल बेस बनाया उन्होंने, चाइनीज नेवी वहाँ देखी गई। इवन स्टार्टिंग में 14 में इशूज थे जब यहाँ पर इनकी सबमरीन तक देखी गई थी, और बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने खुद एक्सप्लेनेशन दिया कि सिविलियन यूज़ के लिए है। इसके बाद इस इशू को कैसे एड्रेस कर सकता है, देखिए फ्रेंडली कॉरपोरेशन है तो चाइना इंडिया ट्रीटी ऑफ गुड नेबर्स एंड अ फ्रेंडली कॉरपोरेशन साइन करनी चाहिए। 10 trillion इकोनॉमी बना रहा है, अगर इंडिया कैन नॉट बी 10 trillion इकोनॉमी जब तक ये एशियन मार्केट की ग्रोथ को नहीं लेती तो कहीं ना कहीं बेल्ट रोड इनिशिएटिव इनके लिए फायदेमंद है। इसके बाद फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग एशिया में है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फायदेमंद है। चाइना बांग्लादेश वियतनाम इंडोनेशिया ये सारे ट्रेड के लिए फायदेमंद है। अगर ये अपनी कंडीशन में इसको थोड़ा इन्हेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ायदा दे सकते हैं तो फ़ायदा है। दूसरा वे फॉरवर्ड ये है कि इंडिया को कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी चाइना से अपनी कम करनी चाहिए।
इसको जोड़ना चाहिए अपनी कंडीशन पे। और चाइना भी ट्रेड में इस वक्त पीछे जा रहा है, COVID-19 के टाइम पर उसकी कंडीशन बिगड़ी हुई है, तो हम अपनी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, रैपिडली इंक्रीज कैपिटल इनफ्लो जो चाइना से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को हम ला चुके हैं जिसके थ्रू हम अपनी कंडीशन इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें देखना चाहिए हम किस तरह अपनी कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं और चाइना के साथ बेटर ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और BRI में जुड़ सकते हैं। देखिए बोल्ड बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जुड़ना हमारे लिए फायदेमंद होगा क्योंकि हमें भी मार्केट कैप्चर करनी है, अपनी इकोनॉमी इनहेंस करनी है, बट अपनी कंडीशन पे और बिना सिक्योरिटी थ्रेट के साथ। इसके बाद नो रूम फॉर द कॉम्प्लीएंसी ऑफ COVID-19 फाइट, PM ने कहा है। PM ने कल मीटिंग की थी तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी बोला है कि COVID-19 के केसेस डेली बढ़ रहे हैं तो इस पे ध्यान देना चाहिए, जो आपके कंटेनमेंट जोन है उन पे भी ध्यान देना चाहिए, टेस्टिंग प्रॉपर करनी चाहिए, केसेस को इंसर्च करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। WHO ने कहा है कि अगर आपको COVID-19 को करना है तो आपको थोड़ा सर्जिंग करनी पड़ेगी। लॉकडाउन खोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हार्श होंगे तो फायदा होगा, जो इटली करके दिखा चुका है, इंडिया अपने उन एरियाज में कर रहा है जहाँ पे स्लम से वहाँ कंट्रोल कर पा रहा है, तो सब कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि इससे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, हमें कोशिश करनी चाहिए। और ट्रंप ने कहा कि भैया ये सारा चाइना का दिन था, बीजिंग पे फिर से उन्होंने ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। इसका फॉरेन स्टूडेंट जो US में है, जो ऑर्डर के बाद कंफ्यूज हैं कि वो अपनी कंट्री वापस आएँ कहाँ जाएँ, तो आधे लोग तो बैठे हैं वेट कर रहे हैं चीज़ें चेंज होने के लिए, बाकी कुछ लोग नेबरिंग कनाडा और कुछ लोग अपने घर की तरफ भी कर रहे हैं। COVID-19 के टाइम पे उनको और डिजीज़ होने का खतरा बढ़ गया इस तरीके से जो गवर्नमेंट के डिसीजन आज की डेट में आए हैं। इसके बाद दास ने वॉर्न किया है NPA बढ़ेगा। देखिए आज की डेट में COVID-19 से लॉकडाउन के बावजूद सारे बिजनेस बंद होना और उसके लॉस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग नॉर्म्स के साथ आएगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स की इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि हर बंदा अपनी EMI पे नहीं कर पाएगा, बैंक में डिफॉल्टर्स बढ़ेंगे और इसका कारण कहीं ना कहीं COVID-19 और सिक इंडस्ट्रीज एंड द श्रिंकिंग इकोनॉमी ऑफ कंट्री होगी। तो इसमें बैंक के साथ खड़ा होना पड़ेगा और देखिए बैंक के साथ खड़े होने के साथ कस्टमर की भी हेल्प करनी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। बैंकिंग हेल्प के बाद भी बैंक अपने पैसे वसूलने और मेंटल प्रेशर और टॉर्चर देने की कोशिश करता है, RBI को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बैंक्स को सपोर्ट के साथ बाकी चीज़ें नहीं करते रहने चाहिए। इसके बाद XL ब्रिज स्टॉक COVID-19 इस पर बहुत सारे आते थे, अगर आप ब्रीथिंग करते हैं किसी पेशेंट के सामने तो आपको COVID-19 हो सकता है। इस पर देखिए रिसर्च थी कितनी सही है, ड्रॉपलेट है जो गिर जाती हैं, अगर कोई खास रहा है तो थोड़ी देर ड्रॉपलेट रह सकती हैं, तो 60-120 वाइड होती हैं ड्रॉपलेट जो ह्यूमन हेयर होता है। तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम है कि 5 माइक्रोन से नीचे अगर हैं तो ये हम ब्रेथ कर सकते हैं और इसको हम फिर रोक नहीं पाते, तो ये चीज़ हो सकती है। इसमें कई सारे केसेस हैं, देखिए अगर कोई पेशेंट है और वहाँ पे वेंटिलेशन के साधन सही नहीं है और वो खांस रहा है, छींक रहा है या गाना गा रहा है या बोल रहा है, तो ड्रॉपलेट आते हैं, 5 माइक्रोन से नीचे होते हैं। तो अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, आपने प्रॉपर मास्क नहीं पहना, तो आप इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। COVID-19 से इन्फेक्टेड होना ये अभी पूरी तरह से प्रूफ नहीं है कि ये सही है, रेस्पिरेटरी के थ्रू जा सकता है कि नहीं जा सकता, बट ब्रेथिंग से वहीं जा सकता है जहाँ पर कंडीशन बहुत हिजाड्रस हो और जहाँ पर आप वेंटिलेशन के साधन ना हो, लोग आसपास हों, और अगर आप N95 मास्क को वेयर करते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, आप हेल्दी रहेंगे। तो इस गाइडेंस को अभी पूरा ना माने, हाँ केसेस हैं कि ऐसा हो सकता है बट 100% श्योर इस चीज़ के लिए नहीं है। इसके बाद देखिए आप जब से लॉकडाउन कर रहे हैं तब से हमें फ़ायदा ही हो रहा है, देखिए बटरफ्लाई निकली, इसके बाद एक स्नेक अभी मिला है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो 129 ईयर्स के बाद दिखा है। कील बैक स्पोर्टेड असम में, ये एक स्नेक होता है, ये इन्हें दिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट में ह्यूमन इंटरफेरेंस बंद हो रहा है तो एनिमल्स बाहर आ रहे हैं। इसके बाद इंडिया टाइगर सेंसस जो है वो दिखा, 75% टोटल पॉपुलेशन ग्लोबल टाइगर्स की इंडिया में है। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत में सबसे अच्छी चीज़ है, हमने लार्जेस्ट जो है कैमरा ट्रैप वाइलेट सर्वे किया है जो आत्मनिर्भर भारत को दिखाता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम इसके लिए दर्ज किए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेंस का बेटा आपका क्वेश्चन GS Paper 2 UPSC से है कि पहला इसराइल के रिलेशन के बारे में इंडिया के साथ है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, BRI जो आपको पढ़ाया उस पर 2 क्वेश्चन है, आप इनको लिखने की कोशिश करें, आंसर दें। आज का लेक्चर इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, लव यू ऑल।